कैसे रहेगा? यस इट वाज ब्रश ब्रश नो इट इज बोन डीप योर लॉर्डशिप इट इज बोन डीप ये इट इज नॉट ब्रशिंग चला गया तो बोन डीप ही होगा ना जी बुलेट यहाँ से चली गई बोन डीप ही रहेंगी ना यस बट द वुंड वॉन्ट बी इन्वर्टेड दिस इज एन इन्वर्टेड वुंड सो व्हाट विल हैपन इन्वर्टेड मींस या कौन सा सोफिस्टिकेटेड गन यूज करते हैं 1,500 रुपए वाली गन और 10 रुपए वाली बुलेट बट देर हैज टू बी सम बुलेट और पिलेट योर लॉर्डशिप लॉस्ट इनसाइड 1200 की बुलेट मिलती है जी लीगल 1200 कोई लेता है प्राइस ऑफ बुलेट इज 1200 वी गेट हियर कट्टाज इन 1500 इसीलिए वो इन्वर्टेड मार्जिन कैसा चलता है कितना चलता है सब वो समझ में आता है उसमें क्या दैट इज देयर योर लॉर्डशिप बट वंस इफ इट हैड बीन अ ब्रशिंग प्रोजेक्टाइल को कितने फोर्स से आउट करना इज डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ गन 1500 की गन में क्या क्वालिटी आएगी इन्वर्टेड मार्जिन लैसरेटेड वुंड्स आपको योर लॉर्डशिप इंडिविजुअल रिवॉल्वर या पिस्तौल से लैसरेटेड वुंड्स रहे होती है क्या ये यही होती है सर कट्टा 1500 रुपए वाला अदरवाइज 1 सेकंड में कितना मीटर जाता है वही है एनीवे इंडिविजुअल लॉर्डशिप ठीक है उसमें कुछ ज्यादा ये मत देखो कौन सी वहां पे इंसास गन थी या AK-47 थी या ऑर्डनेंस फैक्ट्री की पिस्तौल थी अश्नी इंडिविजुअल लॉर्डशिप अटल नो कोई इंजुरी हुई नहीं थी फायरिंग की इंजुरी के बारे में क्लेम करते हैं डॉक्टर हैज फाउंड वन इंजुरी ऑन द एल्बो हाउएवर देयर वाज नो एग्जिट साइन योर लॉर्डशिप एग्जिट जरूरी नहीं ना नहीं एग्जिट नहीं था लेकिन देयर शुड हैव बीन बुलेट और पिलेट एम्बेडेड देयर इन नो नॉट नेसेसरी ब्रश कर दिया बुलेट ने मुझे नो देयर इज नो ब्रशिंग इंजरी ओके मे प्लीज योर लॉर्डशिप द लॉर्डशिप द एप्लिकेंट वर चार्ज्ड फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शंस 147 148 एक मिनट और जजमेंट कहां है दैट इज नॉट इन द पेपर बुक परहैप्स पेपर बुक में नहीं है नहीं इसमें नहीं पेपर बुक बोले तो यही अपील का अब सिंगल अपील में पेपर बुक नहीं है अपील में पटना हाई कोर्ट में नहीं रहता है मालूम है मुझे पता है मुझे जी पता है क्या क्या था वॉट इज द मटेरियल फॉर 307 I'll be coming to that your lordship it is alleged so first come it is alleged that one of the appellants fired at the injured causing him injury in the right elbow however your lordship weapon was firearm yes and but there is no conviction under 27 arms act your lordship he has they have been acquitted under 27 arms act they are convicted under section 27 of the arms act they have been acquitted under okay section sir. 27 of the arms act so the underlying allegation mainly is of firing causing injury your lordship This is the FIR. तो फायरिंग की कोई इंजुरी हुई नहीं थी फायरिंग की इंजुरी के बारे में क्लेम करते हैं डॉक्टर हैज फाउंड वन इंजुरी ऑन द एल्बो हाउएवर देयर वाज नो एग्जिट साइन योर लॉर्डशिप एंड एग्जिट जरूरी नहीं ना नहीं एग्जिट नहीं था लेकिन देयर शुड हैव बीन बुलेट और पिलेट एम्बेडेड देयर इन नो नॉट नेसेसरी ब्रश कर दिया बुलेट ने मुझे नो देयर इज नो ब्रशिंग इंजुरी योर ओके एक मिनट ही हैज फाउंड इनवर्टेड वुंड हाउएवर देखते हैं चल तो शुड आई स्टार्ट विद द एफआईआर यू नो हां एफआईआर से पहले चार्ज देखते हैं कितने लोगों को चार्ज किया है
टू एपेलेंट्स हैव बीन चार्ज्ड लॉर्डशिप. दो ही थे सिर्फ एक्यूज? जी यस, टू पीपल आर अक्यूज्ड हु हैव बीन कन्विक्टेड. चक्रवर्ती कुमार, alias चक्रवर्ती कुमार, and second one is सुजीत मेहता. सुजीत मेहता. Yes, yes, sir. So you are this appeal is by both of them? Both of them. They have preferred this appeal. Members of unlawful assembly. तो ये मुझे ये बताइए कि members of unlawful assembly कैसा होता है? Along with unknown accused. Your lordship. टोटल इंसिडेंट में कितने लोग थे? Yes. It has been alleged in the FIR, that after the firing was resorted to by appellant number 2, 20 to 25 more persons came, whom the injured claims to recognize by face, but he doesn't know their names. मतलब incident होने के बाद 20-25 लोग आए. 20-25 लोग आ रहे और गोली चलाए, resorted to fire in और गोली चलाए. Indiscriminate firing. This is the allegation. However, your lordship, during the course of deposition, they have skipped this part or they have modified this part and changed this part. चलो चार्ज तो पढ़ते हैं. चक्रवर्ती कुमार, 31st October 2013 at 7 a.m. were members of unlawful assembly and in prosecution of the common object of the said assembly to commit or to attend to. ये 149 ऑफेंस रहता है क्या? जी 149 भी ऑफेंस होता है? इन कॉमन इंटेंशन टू कमिट सम क्राइम, इट हैज टू बी रेड विद सम क्राइम. सम 149 का चार्ज फ्रेम किया है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 149 ये ऑफेंस होता है क्या चार्ज फ्रेम करने के? जी इसको दिस चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड सेपरेटली बट इट शुड नॉट बी डन टेक्निकली. चार्ज जो ऑफेंस होता है उसको चार्ज फ्रेम करते हैं, राइट? अब 149 में क्या पनिशमेंट है? जी 149 की ऑफेंस है क्या? ऑफेंस इट हैज टू बी रेड विद सम ऑफेंस. इट इज एनेबलिंग प्रोविजन. एनेबलिंग प्रोविजन, यस, लाइक टू मेक अदर्स कंस्ट्रक्टिवली लायबल. यस वो तो गलती कर गए. That is enabling provision. Yes. इसलिए उसमें थ्री जीरो सेवन रेडिज 149 चाहिए होना चाहिए. 148 यस. राइटिंग विद आर्म वेपन, यस. चलो वेयर इज दी एफआईआर एंड योर लॉर्डशिप विल बी प्लीज टू सी दैट चार्ज हैज आल्सो बीन फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट. वो तो रहेगा ना? यस यस रहेगा. पिस्तौल यूज किया बट देयर इज नो कन्विक्शन अंडर सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट. रणविजय. यस रणविजय कुमार सिंह. शुड आई स्टार्ट विद द एफआईआर? हां मेरा नाम विजय बहादुर सिंह. Yes, he states that मेरा नाम रणविजय कुमार बहादुर सिंह, विजय बहादुर सिंह और चुन्नू सिंह, पेसरान सो एंड सो, साकिन देव रोड, अम्बा, थाना अम्बा, औरंगाबाद है. हम आज दिनांक 31/10/13 रोज गुरुवार समय 9 बजे सदर अस्पताल औरंगाबाद आप नगर थाना औरंगाबाद के पुलिस निदेशक के समक्ष सह थानाध्यक्ष के समक्ष अपना बयान देता हूँ. आज सुबह करीब 7 बजे अम्बा में ही शर्मा मोबाइल दुकान हरिहरगंज रोड में बैठे थे, तभी दो व्यक्ति जिसमें एक का नाम चक्रा पेसरान नामालूम, साकिन ददपा ददबा बिघा, सुजीत मेहता एंड अदर सुजीत मेहता पेसरान नामालूम साकिन ददबा ददबा बिघा
दोनों थाना कुटुंबा जिला औरंगाबाद, पल्सर मोटरसाइकिल करीब 20-25 फीट की दूरी पर खड़ा करके मेरे पास आया। हम उस वहां पर रामजी शर्मा एवं अन्य लोगों से बात कर रहे थे, तभी सुजीत मेहता दैट इज एपिलेंट नंबर 2 योर लॉर्डशिप अपने कमर से पिस्टल निकाला और जान मारने की नीयत से हम पर गोली चलाया, जो गोली मेरे दाहिना हाथ के केहनी के पास लगा और केहनी मींस एल्बो एल्बो यस लगा और चक्रा दैट इज एपिलेंट नंबर 1 भी गोली चलाने लगा। तब हम किसी तरह बचकर छुपकर दुकान के अंदर भागे। करीब 20-25 व्यक्ति दुकान के अंदर भागे और अपराधी इट इज योर लॉर्डशिप टर्न फ्रॉम बीनीथ वन लाइन इज टर्न भागे मारो मारो 20-25 आदमी बच के छुपकर दुकान के अंदर भागे। तभी उन दोनों के साथ करीब 20-25 व्यक्ति मारो मारो करके हम पर गोली चलाने लगा, जिसको मैं चेहरा से पहचानता लेकिन नाम नहीं जानता। हम किसी तरह दुकान के अंदर छिपकर अपना जान बचाया। तभी गोली की आवाज़ पर अगल बगल के लोग जुट गए। तब अपराधी लोग गोली चलाते हुए भाग गया। मेरा दावा है कि चक्रा एवं सुजीत मेहता तथा करीब 20-25 अज्ञात व्यक्ति मिलकर जान मारने की नीयत से मुझ पर गोली चलाया है, लेकिन मैं किसी तरह छुपकर अपना जान बचाया। यही हमारा बयान है। हम अपना बयान पढ़वा कर सुन व समझ लिया तथा सही लिखा पाकर अपने चचेरे भाई चंद्रशेखर सिंह एवं अपने परिचित सुनील कुमार सिंह के समक्ष अपने अंगूठे का निशान बना दिया। क्योंकि मेरा दाहिना हाथ जख्मी है, जिसके वजह से हस्ताक्षर नहीं कर सका। दिस इज द फर्द बयान योर लॉर्डशिप। टू थिंग्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट योर लॉर्डशिप फ्रॉम द फर्द बयान। फर्स्टली ही क्लेम्स दैट ही वॉज सिटिंग इन साइड शर्मा मोबाइल शॉप। एक मिनट, सिटिंग इन साइड शर्मा? यस यस योर लॉर्डशिप। एक मिनट। 9th लाइन योर लॉर्डशिप। पल्सर मोबाइल सुबह करीब 7 बजे शर्मा मोबाइल दुकान में बैठे थे। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ द डिपोजिशन योर लॉर्डशिप। एंड सेकेंडली योर लॉर्डशिप आई विल पॉइंट आउट दैट इट इज अ मोबाइल शॉप विच ही इज क्लेमिंग वॉज ओपन 7 बजे 7 a.m. थर्डली he is claiming that 20 to 25 persons also came and resorted to firing and after baad mein aaye in course of which he went inside the shop. This will be very important also your lordship. He went inside and somehow saved his life. Now your lordship, before coming to the scrutiny of the deposition I would submit एक में बैठे थे, तभी दो व्यक्ति जिसमें से एक का नाम चक्रा दूसरे का सुजीत मोबाइल से 20 खड़ा करके मेरे पास आया। हम उस वक्त वही वहाँ रामजी शर्मा से बात अन्य लोगों से बात कर रहे थे। सुजीत मेहता ने अपने कमर से पिस्तौल निकाला और जान मारने की नीयत से हमारे गोली चलाई। मेरे दाहिना हाथ में लगे गोली के पास लगी और चक्रा को ले तो हम किसी तरह छुपकर दुकान के अंदर भागे। दुकान में बैठे थे दुकान के अंदर भागे। हाँ यस यस दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट योर लॉर्डशिप बिकॉज दे हैव शिफ्टेड द एंटायर केस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिपोजिशन यस व्हिच आई विल शो नाउ योर लॉर्डशिप बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन द टू द स्क्रूटिनी ऑफ डिपोजिशंस I will attack the deposition and the case of the prosecution on 15 broad points, Your Lordship. Being change in narration, change in manner of occurrence, false identification,
whether in the medical evidence, Your Lordship, it has came on record that the victim suffered bullet injury. Your Lordship, now Your Lordship, injury was that of bullet or some? He has opined. The doctor has opined. The evidence of that the doctor has two parts. One is factual, and second one is opinionative. He has factually found. If Your Lordship will please pura, to pura ka pe. Blank paper. If Your Lordship will be pleased to come to the deposition of the doctor. No, you go in your manner. Just I put some queries in order to understand, to have better understanding of just to satisfy you. I don't want to you to do to go by any specific manner as directed by me. You go as per your Just to satisfy you, Lordship. एक सेकेंड में इसको हम दिखा देते हैं क्या बात है. He has stated lacerated wound of size 1 cm. कौन है वो PW? 6 at page 24, Your Lordship. विकास कुमार सिन्हा. नहीं वो पेजिनेशन आपका और हमारा बराबर नहीं चल रहा है. Provided if I am in a position to read, otherwise you will have to get it typed. Registry will have to type. We are starting it, but I have my own doubt whether I will be in a position to read. I am not at all trained to read such type of paper. The writing is quite just better, Your Lordship. Not good, but better. The writing, handwriting that has been used is slightly better than others. On 31st 10 2013, I was posted as medical officer Sadar Hospital Aurangabad on that day. ASI ji AS on some station house officer Aurangabad sent to requisition office. I examined Kumar Ranvijay Bahadur Singh, son of left so and so, at 7:55 a.m. Your Lordship, on this point also I'll make one observation. So that the incident took place in the morning at 7 and 7:55 he is being examined. Okay. And that too not in the local hospital, Your Lordship. He is being taken to from Amba, bypassing the Amba hospital to Aurangabad hospital. Amba is district place or what? Amba is the place of occurrence. No, district place or some rural? No, it is a marketplace. It is a and whether government hospital, district hospital is available. Yes, has come in the course of deposition that there is a government hospital, plus there is a police station at Amba, which is Amba police station. And FIR was registered at which place? FIR for the bayan was given at Sadar Hospital, Aurangabad, where he claims to have gone. So offence took place within jurisdiction of this Amba police station. FIR was recorded while taking treatment at that hospital, Aurangabad. Okay. Anyway. And they are claiming that he was injured by firearm, and the doctor and the hospital, Amba hospital, was situated at half kilometer. That has come in the deposition, but they did not go there, and they went to some far off place, Aurangabad Sadar Hospital, and they claim that they were that the injured was treated there at Aurangabad Sadar Hospital. So here the doctor says that on the requisition of ASI cum SH Aurangabad, Lordship, meaning thereby that before the recording of the fard bayan, which has been recorded at 9 hours, the police got to know of the occurrence. The requisition was sent. Requisition was prepared and was sent to the doctor for examination. That has been suppressed. And this fard bayan, which has been recorded more than 1 hour thereafter, has been used in lodging the FIR. I'll be coming to all those, Your Lordship, but kyunki samne aaya to I made the observation, Your Lordship. Thereafter, Your Lordship, he a lacerated wound of size 1 inch by 1 centimeter into 1 by 4 centimeter into bone deep. Just bone deep. This is just bone deep over upper forearm right. Although they are claiming that it was in the elbow, but upper forearm elbows, not far off places. Same thing. Let that be. Yes. With bleeding and inverted margin, with severe pain and abnormal molality and deformity of arm of right, simulating fracture of bone. X-ray elbow right with upper forearm right epilateral view advised.
एक्सरे शोल्डर राइट एपिलैटरल व्यूज एडवाइज्ड ब्लैक माइन्यूट पार्टिकल्स स्प्रिंकल ओवर क्लो ब्लैक माइन्यूट पार्टिकल्स स्प्रिंकल ओवर दी चार्ड क्या लिखा है फोरआर्म दैट इज परहैप्स ओवर डॉर्सम ऑफ डॉर्सम ऑफ डॉर्सम ऑफ लेफ्ट हैंड योर लॉर्डशिप हैंड लेफ्ट इज कंप्लेनिंग ऑफ बॉडी एक विद डिसेबिलिटी इंजर्ड आर नेचर ऑफ इंजरी ओपिनियन लेफ्ट केप्ट रिजर्व टिल एक्सरे रिपोर्ट कमिंग नेचर ऑफ फायरआर्म एज ऑफ इंजरी विद इन 4 hours दिस विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट योर लॉर्डशिप दैट ही इज बींग एग्जामिंड एट 7:55 AM He claims that occurrence took place at 7 AM, but the doctor opines that the injury is within 4 hours, Your Lordship. So what will happen thereby? Medical science is not precision. It is not rocket science. Indeed, Your Lordship. Indeed, Your Lordship. But had it been 4 hours, 3 hours, 6 hours, it is just by color of the wound they assess the. Indeed, Your Lordship. It is not that it is within. 24 hours, 72 hours, 52 hours. It is just within 4 hours. Indeed. There is always leeway. But this is the acceptable principle, Your Lordship, in medical jurisprudence that once the doctor opined that it was within 24 hours, meaning thereby it was between 12 to 24 hours. Here so this is within 4 hours, within not four outside hours. The 4 hours. Meaning thereby, Your Lordship, it was between 2 hours to 4 hours. No. Anyway, Your Lordship. Anyway. I will not accept this. Any. Obliged, Your Lordship. Jurisprudence. Anyway. After getting requisition, I examined the injured. Yes. After getting requisition, I examined. He states in cross examination. Yes, I found the requisition, and thereafter I examined the injured. Meaning thereby, Your Lordship, there was an earliest version. Which means has been first suffered. He went to some police station and there from there that got that form requisition form. Yes, they prepared the requisition. So he had been to this Aurangabad station house officer. Yes, ASI. Yes. He and has from that get that sheet and then came to the hospital. Yes, and they have prepared the requisition, sent the requisition with the injured to the doctor for examination. Yes. Yes. And in regard to that, he is deposing that right, I got right. The requisition. Correct. Correct. Yes. So there is suppression. This will be very important, Your Lordship. Thereafter, Your Lordship, he states, if injury is made at hand lateral and ventral the side. Injury is made. Injury is made mentioned. Hand. I have mentioned chlorsal side in my report. Deep bone means up to bone. I have not meant the injury is up to the bone only, Your Lordship. So the bone was injured or not, I have not mentioned. I have not got X-ray report up till now. Up till now. Nature of injury is not at present given in the report. Report. But I am being an orthopedic surgeon. I found abnormal molality of right arm simulating fracture. Nature of injury will not. Opine, rather it will be confirmed only. X-ray report and plate is not produced before me. I cannot say from how much distance fire was made. I have not given any opinion regarding other weapon except firearm for any injury. I have mentioned foreign body injury wound. I have, yes, and this is very, I have not found any bullet or fillet in wound. I have not found any bullet or fillet in wound. Yes, it was brush injury. No, it is bone deep, Your Lordship. It is bone deep. Ye it is not brushing. चला गया तो bone deep ही होगा ना? जी. बुलेट यहाँ से चली गई बोन डीप ही रहेंगी ना यस बट द वुंड वॉन्ट बी इन्वर्टेड दिस इज एन इन्वर्टेड वुंड सो व्हाट विल हैपन इन्वर्टेड मीन्स या कौन सा सोफिस्टिकेटेड गन यूज करते हैं 1,500 रुपए वाली गन और 10 रुपए वाली बुलेट बट देर हैज टू बी सम बुलेट और फिलेट योर लॉर्डशिप लॉस्ट इनसाइड 1200 की बुलेट मिलती है जी लीगल 1200
कोई लेता है? प्राइस ऑफ बुलेट इज 1200, वी गेट हियर कट्टाज इन 1500। इसीलिए वो इन्वर्टेड मार्जिन कैसा चलता है, कितना चलता है, सब वो समझ में आता है, उसमें क्या? That is there, your lordship. But once, if it had been a brushing projectile, को कितने force से out करना is dependent on quality of gun. 1500 की gun में क्या quality आएगी? Inverted margin, lacerated wounds. आपको your lordship, revolver या pistol से lacerated wounds रहे होती है क्या? ये यही होती है सर, कट्टा वाला 1500 रुपए वाला. Otherwise 1 सेकंड में कितना मीटर जाता है, वही है. एनीवे इंडिविजुअल लॉर्डशिप, वो ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा ये मत देखो. कौन सी वहाँ पे इंसास गन थी या AK-47 थी या ऑर्डनेंस फैक्ट्री की पिस्तौल थी, अश्नी इंडिविजुअल अटल, नो. So, 1500 का कट्टा क्या क्या इंजरी करेगा, वही इंजरी करेगा. आई एम जस्ट डिस्टिंग्विशिंग योर लॉर्डशिप, had it been a brushing injury your lordship, it would not have been कौन सा पार्टिकल बचेगा हाथ में रहेगा ये बताइए मुझे. इट इज नॉट, देर इज नो वुंड ऑफ एंट्री. जब एंट्री का वुंड नहीं होता है तो पैलेट या कुछ नहीं आएगा अंदर. इफ इट इज इंजरी इज बाय ब्रशिंग बुलेट, कहां कैसा मिलेगा आपको बताइए मुझे. किस 1 इंच into 1/2 इंच into बोन डीप, सो विद ब्लीड, अगर बुलेट इसको ऐसी घस के चली गई एंड इन्वर्टेड, that then the wound won't be inverted, your lordship. Won't be inverted. It is inverted, meaning thereby it has entered. एक principle ख्याल में रखिए आप कि medical evidence is secondary to ocular evidence. Yes, your lordship. So medical evidence cannot dislodge the ocular evidence. Your lordship. अगर कोई बोलता है कि gunshot किया और if that evidence is found to be trustworthy, ये सब जो है डॉक्टर का जो फॉरेंसिक्स है, इवन ऑन दोस ग्राउंड्स, इवन डोंट प्रेस, गो टू द एविडेंस ऑफ द विक्टिम योर लॉर्डशिप. इंडीड, एंड आई विल गो थ्रू द एविडेंस योर लॉर्डशिप, एंड देयर आफ्टर आई विल कम टू द डिपोजिशन ऑफ द डॉक्टर, देन इट विल मेक मोर सेंस योर लॉर्डशिप. यस, सो PW1 योर लॉर्डशिप एट page 4, आई डोंट नो व्हाट पेज योर लॉर्डशिप. PW1 कौन है ये? मोहम्मद अकरम, मुहर्रम आलम. मुहर्रम आलम, इसको क्यों देखते हैं पहले? इंजर्ड कौन है उसका तो देखिए. इज मुहर्रम आलम, नो एविडेंस ऑफ इंजर्ड. इंजर्ड PW5, ही इज PW5 योर लॉर्डशिप. कीप इन माइंड इट इज इजी टू आई वर्क आउट द केस ऑफ 302. But when victim is alive and he is in the witness box, yes, so थोड़ा उसको difficult हो जाता है. Yes. PW5 is Kumar and Vijay Singh, alias Kumar Singh, at page 18, your lordship. मैं ही states in his examination. मैं ये क्या है first sentence? मैं ही इस केस को किया हूँ. मेरा फर्द बयान सदर अस्पताल औरंगाबाद में थाना अध्यक्ष के द्वारा लिया गया. टाउन थाना के थाना अध्यक्ष ने मेरा फर्द बयान लिया. उन्होंने फर्द बयान लिखकर पढ़कर सुनाया. मैंने उसे सब सही पाकर बायां अंगूठा का निशान दिया क्योंकि दाहिना हाथ जख्मी था. यह फर्द बयान पूर्व से प्रदर्श 1 अंकित है. घटना 31/10/13 के सुबह 7 बजे की है. मैं उस समय शर्मा मोबाइल सेंटर की दुकान के पास बैठा था. ही इन द FIR योर लॉर्डशिप, ही स्टेट दैट आई वाज सिटिंग इनसाइड द शॉप. हियर ही इज स्टेटिंग दैट ही वाज सिटिंग नियर द दुकान. यस, मैं रामविलास की दुकान से कुर्सी मंगवाकर वहां बैठा था. एन एडिशन योर लॉर्डशिप, सतीश सिंह PW3 योर लॉर्डशिप एवं डब्लू सिंह नॉट एग्जामिन 2 मिनट के बाद आए. एडिशन फ्रॉम द FIR योर लॉर्डशिप, देवर नॉट एज पर द FIR देवर नॉट प्रेजेंट, इट वॉज नॉट क्लेम. 3-4 मिनट के बाद चंद्रशेखर सिंह PW4 एवं सुनील सिंह नॉट एग्जामिन आए. चंद्रशेखर सिंह चाय का आदेश दिए. ऑल दीज आर एडिशंस योर लॉर्डशिप.
दिए। चंद्रशेखर झा का दे दिया। मैं पेपर पढ़ रहा था, चार पांच आदमी मोटरसाइकिल से दो मोटरसाइकिल पर आए। दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्ररी टू FIR रूल लॉर्डशिप, ही इज नॉट क्लेम्ड इन द FIR दैट फाइव पर्सन ऑन टू मोटरसाइकिल्स केम। मोटरसाइकिल से सुजीत मेहता चक्रवर्ती मेहता को मैंने पहचाना, अन्य जो मोटरसाइकिल पर आए उनके बारे में लोगों ने बताया कि शिव मेहता, प्रवीण मेहता और मुकेश थे। शर्मा मोबाइल दुकान पर सुजीत, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर एक्यूज, सुजीत मेहता एंड अनदर इज चक्रवर्ती एलियस चक्रा, चक्रवर्ती मेहता को, यानी इसने दोनों का नाम बताया, सुजीत मेहता एंड चक्रवर्ती, चक्रवर्ती आए। सुजीत शर्मा मोबाइल दुकान पर सुजीत मेहता एक एवं चक्रवर्ती मेहता आए और रिचार्ज की मांग की। सुजीत मेहता कमर से पिस्टल निकालकर जान मारने की नीयत से मेरे छाती पर गोली चलाए। मैं देखकर हटने की कोशिश किया तो गोली मेरे दाहिने हाथ में लगी। रोड पर से हल्ला हुआ मार। इसी बीच चक्रवर्ती मेहता मेरे ऊपर वार करने के लिए सिक्सर निकाले। ये तो क्या होता है सिक्सर? सिक्सर इज अ काइंड ऑफ फायर आर्म योर लॉर्डशिप। सिक्सर वन हैंड हेल्ड फायर आर्म, यस योर लॉर्डशिप। फायर आर्म मीन्स जस्ट लाइक पिस्तौल और रिवॉल्वर? यस, पिस्टल विच हैज सिक्स सिक्स राउंड्स, यस फॉर सिक्स राउंड्स, हैंडगन विद सिक्स राउंड्स, योर लॉर्डशिप। सिक्सर निकाले तो मैं जान बचाने के लिए रामजी शर्मा के घर में घुस गया। इन द FIR ही क्लेम्स दैट ही वाज सिटिंग इनसाइड द शॉप ऑफ दिस रामजी शर्मा मोबाइल शॉप विच वाज ओपन एट 7 AM, विच शुड नॉट हैव बीन ओपनड एट 7 AM, एंड देयर आफ्टर ही इज डिपोजिंग and he has further stated in the FIR once the firing was resorted to and he became injured, he went inside the shop running in order to save himself and somehow saved his life. Here he is stating that main jaan bachane ke liye Ramji Sharma ke ghar mein ghus gaya. Now the prosecution has not led any evidence, your lordship, in order to support that some other entrance was also there other than from the direction of the shop, your lordship. They have not come up with any evidence. Now he has changing the entire case, your lordship. He is stating that main jaan, firstly he states that main dukaan ke paas baitha tha. Now he is claiming that Ramji Sharma ke ghar mein ghus gaya. And it means the entire story of the prosecution is being stated afresh. Just by first point out the evidence, then make your submission. Your lordship. Otherwise, in peaceful, you will make submission, and I will not remember anything. Your lordship. Yes. Halla in the cross examination of this witness. Your lordship. मैं फर्द बयान लिखाने के समय पुलिस से बोला था कि रामविलास की दुकान से कुर्सी मंगाकर बैठा था। यह भी फर्द बयान में कहा था। His attention is being drawn. सतीश सिंह PW3 एवं W सिंह नॉट एग्जामिन्ड, दो मिनट बाद में आए तथा दो तीन मिनट बाद चंद्रशेखर सिंह और सुनील सिंह भी आए। दिस इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट ही स्टेट्स, ही हैज नॉट स्टेटेड इन द फर्द बयान दीज थिंग्स। मैंने ऐसा बोला था कि चंद्रशेखर सिंह चलकर चाय का आदेश दिए और मैं पेपर पढ़ रहा था। यह भी मैंने पुलिस से कहा था कि सुजीत मेहता एवं चक्रवर्ती मेहता को मैंने पहचाना तथा लोगों ने बताया, सुजीत मेहता एवं चक्रवर्ती मेहता लोगों ने बताया कि अन्य जो मोटरसाइकिल पर थे वे शिव मेहता, प्रवीण मेहता एवं मुकेश थे। मैंने पुलिस से कहा था कि सुजीत मेहता कमर से पिस्टल निकालकर जान मारने की नीयत से मेरे छाती पर गोली चलाया। मैंने यह भी कहा था कि चक्रवर्ती सिक्सर से फायर किया। मैंने यह भी कहा था कि चंद्रशेखर, W नॉट एग्जामिन वगैरह मुझे गाड़ी से लाद कर औरंगाबाद सदर अस्पताल लाए।
यह भी कहा था कि डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया तो पटना में मेरा इलाज हुआ। मैं ऐसा नहीं कहा था कि दुकान में मैं बैठा था, बल्कि यह कहा था कि दुकान के बाहर बैठा था। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट योर लॉर्डशिप बिकॉज दिस इज अ ड्रास्टिक शिफ्ट फ्रॉम द इनिशियल प्रोसिक्यूशन वर्जन। मैं ऐसा नहीं कहा था कि 20-25 आदमी अटैक किया, विच वॉज देयर इन द FIR, ही इज नाउ सब्सिक्वेंटली चेंजिंग इट। मोटरसाइकिल से 5 आदमी को ही देखा। ही इज ट्राइंग टू चेंज हिज नरेशन। पांचों को नाम से एवं चेहरा से पूर्व से पहचानता हूँ। मैं केवल 2 को पिस्तौल से लैस देखा, अन्य को नहीं। मैं अक्सर उस दुकान पर बैठता हूँ। अन्य लोग रोजाना वहाँ चाय पीने नहीं आते हैं। किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वर्चस्व स्थापित करने की बात थी। नाउ इन पैरा 3 लॉट स्टेट्स, सुजीत एवं चक्रवर्ती से पहले कोई बात नहीं हुई। मोबाइल वाली दुकान से 1,000 फीट पूरब तरफ मेरा घर है। चंद्रशेखर सिंह का अंबा में भी मकान है। चंद्रशेखर सिंह का घर मेरे घर से 500 फीट की दूरी पर है। मैं एवं चंद्रशेखर सिंह गोतिया हैं। बोथ आर एग्नेट्स योर लॉर्डशिप। चंद्रशेखर इज PW4। मैं हड़िया में नहीं रहता हूं, क्योंकि हड़िया का मकान गिर गया है। शर्मा मोबाइल दुकान से 12-13 फीट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप। Who will provide translated type copies? You or registry? The registry may be directed to your lordship. Understand the things. Some portion of handwriting. The registry may be directed to your lordship to get it typed. How many witnesses are there? 7, your lordship. Not a voluminous record, your lordship. 28-30 pages only. 30 pages, na? ये इसको दो ये कर दीजिए, टाइप करने को बता दीजिए। Because unless and until I could carefully go through the evidence, your lordship, it is not proper to. And your lordship, it may be directed to supply a copy of the. आप फोटोकॉपी कर लीजिए उसमें से, ये इनको दे देना, अगर एक्स्ट्रा बन गया तो इनको दे देना, नहीं तो फिर फोटोकॉपी की दे देना। एक्स्ट्रा अगर होगा तो आप लीजिए, नहीं तो फिर हमारा ही लेके फोटोकॉपी कर लीजिए। जी, ऑब्लाइज। 2 weeks registry to supply type copy of deposition of witnesses. चलो।